आज 14 फरवरी भारतीय संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति अमरावती के अंतर्गत पिछले 30 दिन से जो धरना आंदोलन चल रहा है CA NRC के अगेंस्ट में, यहाँ आज 14 फरवरी को जो गुज़िश्ता साल पुलवामा अटैक हुआ और जिसमें हमारे मुल्क के वीर जवान शहीद हुए थे, उनको खिराज अकीदत और श्रद्धांजलि अर्पित की गई और भारतीय संघर्ष सुरक्षा समिति की जानिब से हम उन तमाम शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद हमारे मुल्क में ऐसे बर्बरियत और ऐसी इंसानियत को ख़त्म करने वाला किसी किस्म का हादसा ना हो। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क अमन अमान के साथ चलता रहे और जो लोग ऐसे आतंकी हमले करते हैं और जो एजेंसियां इन लोगों को डिटेन करने और इन लोगों की तहकीक को तफ्तीश करने में लगी रहती है, ये लोग भी इंसानियत को दिल में रखते हुए ऐसे लोगों को इनके कैफर किरदार तक पहुँचाए और आतंकवादियों को उनके जुर्म तक पहुँचाए, और इसका हम कड़े शब्दों में निषेध भी करते हैं और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सज़ा हो इसकी हम हुकूमत से भी कामना करते हैं। 14 फरवरी जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, उनको हम आज हमारा NRC NPR के तहत जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है उसको 2 मिनट के लिए रोककर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम सभी लोग, और उनके लिए हम आज बड़े फिक्र के साथ ये कहते हैं कि हमारे भारत देश की सरकार ने आज तक के भी इन शहीद जवानों को जवानों का दर्जा नहीं दिया, आज तक इनको अर्ध सैनिक का दर्जा है और शहीद का भी दर्जा इन्हें नहीं दिया गया जो कि देश के लिए कुर्बान हो गए। आज हम इस सत्याग्रह के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनकी बीवियां, बाल बच्चे, माँ बाप आज घूम रहे हैं, उनको शहीदों का दर्जा नहीं मिला, पेंशन नहीं मिली। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, आज एक साल बीत गया, आज 14 फरवरी है, उनको सही श्रद्धांजलि ये होगी जो उन पुलवामा अटैक के आतंकियों से मिला हुआ था वो अभी पकड़ा गया है, उसका नार्को टेस्ट करवाए और जो साजिश करता उसके पीछे है उसकी जांच कराए, यही उनको सही श्रद्धांजलि होगी, तब दूध का दूध पानी का पानी देश को पूरे देश में NRC और CAA के विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा है इस बाबा साहेब अम्बेडकर चौक से आज पुलवामा में जिस तरीके से अटैक किया गया या कराया गया इसकी गहरी जांच होनी चाहिए और जो शहीद हुए हैं उनको सरकार ने, उनके फैमिली को पेंशन देनी चाहिए और उनको सरकार ने शहीदों का दर्जा देना चाहिए। वो लोग ऑन ड्यूटी जो है उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इसके पीछे की जो बर्बरियत की है। जिस तरीके से कई टन जो है RDX इस देश में लाया गया और इस तरीके की साजिश रची गई, आज तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। हम यहाँ से डिमांड करते हैं कि उन लोगों का पता किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आने वाले दिनों में देश में इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं, ये जो पुलवामा जो नौजवान जो हमारे देश के जो शहीद हुए थे और आज ये हमने इनका निषेध कार्यक्रम रखा है धरना आंदोलन में सत्याग्रह में, तो हम इसी माध्यम से ये बताना चाहते हैं देश की सरकार को कि ये देश के खातिर जो जवान शहीद हुए थे, हम तो ये कहेंगे कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो साजिश के तहत वो पुलवामा हमला कराया गया था और देश की सत्ता और देश की कुर्सी हासिल करने के लिए देश के नौजवानों को शहीद करवा कर उन्होंने अपनी कुर्सी हासिल की। उसी तरह ये आज उन्होंने यह और एक नया शोषा छोड़ा है देश के अंदर NRC का, इसमें भी देश को गुमराह कर रहे हो, ये सरकार की काली नीतियों को हम समझ रहे हैं और आज आम जनता जन आंदोलन के तहत रोड पर आ चुकी है। अब आम जनता को ये बहका नहीं सकते, गुमराह नहीं कर सकते, अब आम जनता जाग चुकी है इन सरकार के काले कारनामों से, और पुलवामा के लिए भी हम पुरजोर मांग करेंगे कि उसकी एक बड़ी जांच बिठाई जाए और उसके कातिलों को सामने लाया जाए देश के सामने, देश की जनता के सामने। अगर नहीं लाएंगे तो आने वाले वक्तों में यही देश की जनता इन देश के गद्दारों को, इन देश के लूटने वालों को और देश के नौजवानों को शहीद करने पे जो तुली हुई है उनको हम सामने लाएंगे और उनका ये नंगा नाच सामने पेश करेंगे। संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति के बैनर तले पुलवामा के शहीदों को आज उनकी बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हम भारतीय संविधान सुरक्षा संघर्ष समिति की तरफ से भारत सरकार से
और गृह मंत्रालय से ये डिमांड करते हैं कि इस बात को, एक साल गुजर चुका है इस घटना को, लेकिन आज तक की इसकी जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसने अभी तक की चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। ये किसकी हरकत थी, इसकी इस घटना के पीछे किसको फ़ायदा पहुंचा और इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस बात की डिमांड करते हैं कि इसके पीछे जो कोई भी घटना हुई है, इसके पीछे जो भी संगठन और जो भी शख्स जिम्मेदार है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पूरी पूरी तहकीक करके पूरी दुनिया के सामने इस मामले को हल किया जाए कि ये घटना किसने की थी। और पुलवामा के जो 42 शहीद लोग हैं, आज उनकी ज़िंदगी के अंदर में गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके परिवार वाले पीड़ित हैं, किराए के घर के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको आज तक के पेंशन की योजना तक के लागू नहीं हुई है, उनको ज़मीन तक नहीं दी गई है। तो हमारी ये भी डिमांड रहेगी कि उनकी जो भी डिमांड्स है, उनकी पूरी जो ज़रूरत ज़िंदगी है, उसको पूरा किया जाए और जल्द से जल्द उनको